अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम हल करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 के मशकी सवालात, सवाल नंबर 8.9 और 8.10। चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम हल करने जा रहे हैं मशकी सवालात। स्टूडेंट्स, पहले 8 मशकी सवालात हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं और बाकी के जो मशकी सवालात हैं आज हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, यूनिट है 8, मादा की हरारती खसूसियात, मशकी सवालात। सवाल नंबर है स्टूडेंट्स 8.9। सवाल में कहा गया है 100 ग्राम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भाप में तब्दील करने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी, जबकि पानी की वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत 2.26×10 की ताकत 6 जौल फी किलोग्राम है। जी तो स्टूडेंट्स, 100 ग्राम पानी को भाप में तब्दील करना है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके लिए कितनी हरारत दरकार होगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या मालूमात फ्राहम की गई है। सबसे पहले हमें मास दिया गया है स्टूडेंट्स पानी का, पानी का मास m बराबर है 100 ग्राम के। स्टूडेंट्स, अगर हमने इसके किलोग्राम में करना है तो क्या करेंगे, 1000 से तकसीम कर देंगे तो हमारे पास जो कीमत आएगी वो होगी 0.1 किलोग्राम। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें जो टेम्परेचर दिया गया है वो किस पे करना है, हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और स्टूडेंट्स, आपको पता है पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलना शुरू होता है और भाप की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम वो मसावात इस्तेमाल करेंगे जो हमने वेपोराइजेशन के टॉपिक में पढ़ी थी। स्टूडेंट्स, जिसमें हमने कहा था कि वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत क्या होती है। स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमने एक मसावात पढ़ी थी जो कि एच वी बराबर है क्यू वी ओवर एम के। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एच वी क्या है, वी से मराद वेपोराइजेशन है और एच वी से मराद वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत है। स्टूडेंट्स, क्यू वी से क्या मराद है, क्यू स्टूडेंट्स हरारत को जाहिर करता है और वी से मराद है वेपोराइजेशन, यानी कि वेपोराइजेशन के लिए जो हरारत दरकार है उसे हम कहेंगे क्यू वी। और मास स्टूडेंट्स हमारे पास उस माय का मास है जिसको हमने वेपोराइज करवाना है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो एच वी जो है वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत है जो हमें दी गई है पानी की 2.26×10 की ताकत 6 जौल फी किलोग्राम, और क्यू वी ये वो हरारत है जो 100 ग्राम पानी को वेपोराइज करने के लिए चाहिए, ये हमने मालूम करनी है। और मास स्टूडेंट्स हमें दिया गया है 0.1 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स, यहां से हमने क्यू वी की कीमत मालूम करनी है जो कि होगी एम एच वी। एम का स्टूडेंट्स हम मसावात के दूसरी जानब ले गए हैं और हम पिछले लेक्चर में इस मसावात को किस तरह से बनाया गया है, इस मसावात को इस्तेमाल करते हुए
ये जो तब्दीली है स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में बड़े अच्छे तरीके से समझी थी और दो तरीकों से इसको समझने की कोशिश की थी। तो स्टूडेंट्स, अब अगर हमने क्यों निकालना है तो हम क्या करेंगे, एम की कीमत और एच की कीमत दर्ज करेंगे। एम की कीमत है 0.1 किलोग्राम और एच की कीमत स्टूडेंट्स, एच वी की कीमत जो हमें दी गई है वो क्या है, 2.26 × 10^6। जौल फी किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो हरारत की मकदार चाहिए होगी 100 ग्राम पानी को वेपोरेट करवाने के लिए, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपोराइजेशन करवाने के लिए, वो क्या होगी, वो होगी हमारे पास 2.26 × 10^5 जौल। स्टूडेंट्स, ये वो हरारत है जो 100 ग्राम पानी को वेपोरेट करवाने के लिए चाहिए होगी। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 8.10 और स्टूडेंट्स, सवाल में कहा गया है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मौजूद 500 ग्राम पानी में से 100 डिग्री सेंटीग्रेड 5 ग्राम भाप गुजारने के बाद पानी का टेम्परेचर मालूम करें। टेम्परेचर मालूम कीजिए जबकि पानी की हरारत मखसूसा 4200 जौल फी किलोग्राम फी केल्विन है और पानी की एवेपोरेशन की मख्फी हरारत 2.26 × 10^6 जौल फी किलोग्राम है। जी तो स्टूडेंट्स, हमने वो टेम्परेचर मालूम करना है जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मौजूद 500 ग्राम पानी में से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ग्राम भाप गुजारने के बाद होगा। इनके स्टूडेंट्स, हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 500 ग्राम पानी मौजूद है, हम उसमें से 5 ग्राम भाप गुजारेंगे जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने बताना है कि पानी का टेम्परेचर वो 5 ग्राम भाप गुजारने के बाद क्या होगा और इसमें हमें पानी की हरारत मखसूसा और पानी की एवेपोरेशन की मख्फी हरारत दी गई है। जी तो स्टूडेंट्स, देखते हैं हमें क्या क्या मालूमात दी गई है। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए कि हमें पानी का टेम्परेचर दिया गया है जो कि है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसे केल्विन में करें तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा और इसके बाद पानी का मास दिया गया है जो कि बराबर है 500 ग्राम के। अगर हम इसको किलोग्राम में करें तो ये हो जाएगा 0.5 किलोग्राम, क्योंकि स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 1000 से तकसीम करेंगे और हमारे पास ग्राम से किलोग्राम में मास चला जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें भाप का टेम्परेचर और मास दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे भाप का टेम्परेचर वो कितना है, 100 डिग्री
100 डिग्री सेंटीग्रेड, भाप का मास वह 5 ग्राम, अगर हम इसे किलोग्राम में करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.005 किलोग्राम। जी तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें पानी की हरारत मखसूसा और वेपरेशन की मख्फी हरारत दी गई है। स्टूडेंट्स, वेपरेशन की मख्फी हरारत को लिखा जाता है एच वी से, जो कि है हमारे पास 2.26×10^6 J/kg। और स्टूडेंट्स, पानी की जो हरारत मखसूसा है उसे लिखा जाता है सी से, और वो हमारे पास कितनी है 4200 J/kg/K। स्टूडेंट्स, पानी की हरारत मखसूसा। स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखिए, अगर हम पानी के दाई टेम्परेचर को T1 कह दें और भाप का जो टेम्परेचर है उसे T2 कह दें और पानी का जो मास है उसे अगर हम M1 कहें और भाप का जो मास है उसे हम M2 कहेंगे, हमने मालूम क्या करना है, पानी का फाइनल टेम्परेचर उसे हम कहते हैं T3, ये हमने मालूम करना है। स्टूडेंट्स, जब भाप पानी में से गुजारी जाएगी तो भाप अपनी कुछ हरारत जो है वो पानी को दे देगी। इसका मतलब है कि भाप जो है वो हरारत पानी को देगी, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा और भाप का टेम्परेचर कम होगा। स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 8 के आगाज में पढ़ा था कि हरारत जो है एनर्जी की एक शक्ल है और ये ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हरकत करती है। लिहाजा स्टूडेंट्स, हम कहेंगे कि जो टेम्परेचर भाप का कम होगा वो बराबर होगा उस टेम्परेचर के जो पानी का बढ़ेगा। यानी कि स्टूडेंट्स, पानी की जज़्ब करदा हरारत किसके बराबर होगी, भाप की खारिज करदा हरारत के बराबर होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम क्या कहेंगे कि पानी की जज़्ब करदा हरारत बराबर है भाप की खारिज करदा हरारत के। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब हम देखते हैं कि पानी कितनी हरारत जज़्ब करेगा और भाप जो है वो कितनी हरारत खारिज करेगी। स्टूडेंट्स, पानी जो हरारत जज़्ब करेगा हमें मालूम है क्यू बराबर है CM ∆T के, स्टूडेंट्स यहां पे Q वो हरारत है जो पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए दरकार है। स्टूडेंट्स, अगर हम इस Q को Q1 कह दें तो हमारे पास M1 क्या है, पानी का मास, और ∆T क्या है, पानी के टेम्परेचर में फर्क, यानी कि पानी के टेम्परेचर में जो तब्दीली आई है वो क्या है, ∆T। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पे देखें हमारे पास जो ∆Q1 है वो किसके बराबर होगा, C की कीमत स्टूडेंट्स हमें दी गई है 4200, पानी का मास है 0.5 किलोग्राम, और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टेम्परेचर की तब्दीली है हम कहते होते हैं कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इब्तदाई टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, फाइनल टेम्परेचर है T3
जो हमने मालूम करना है, और इब्तदाई टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको हल करें तो हमारे पास जो Q1 का जवाब है वो क्या निकल रहा है, 2100 × T3 − 10। स्टूडेंट्स अब इससे आगे हम हल तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें Q1 की कीमत या T3 की कीमत मालूम ना हो जाए। स्टूडेंट्स ये वो हरारत है जो पानी जज़ब करेगा टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से T3 तक बढ़ाने के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि जो भाप है वो कितनी हरारत खारिज करेगी। चलिए उसको देखते हैं। जो पानी है उसको वेपोराइज करने के लिए जो हमारे पास एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है क्यू। स्टूडेंट्स उसे हम क्यू वी से लिखते हैं। क्यू बराबर है स्टूडेंट्स एम एच वी के। यहां पे स्टूडेंट्स एच वी क्या है हमारे पास, वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत जो कि 2.26 × 10 की ताकत 6 दी गई है, और मास जो है m ये भाप का मास है। स्टूडेंट्स अगर हमने क्यू वी मालूम करना हो यानी कि वो हरारत मालूम करनी हो तो वो क्या होगी, 0.005 kg m की कीमत और एच वी की कीमत है 2.26 × 10 की ताकत 6। स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्यू वी की कीमत आएगी वो होगी 11.3 × 10 की ताकत 3 जूल। स्टूडेंट्स ये वो हरारत है जो पानी के मास को भाप में तब्दील करने के लिए चाहिए होगी। स्टूडेंट्स अब इसके बाद हम देखते हैं कि भाप जो हरारत पानी को देगी यानी कि भाप में से हरारत जो है स्टूडेंट्स खारिज होगी, इसका मतलब है भाप के टेम्परेचर में भी तब्दीली पैदा होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर में तब्दीली को मालूम करने के लिए हरारत निकालें तो वो होगी Q2 बराबर है सी एम डेल टी के। और स्टूडेंट्स यहाँ पे सी क्या है हमारे पास, पानी की हरारते मखसूसा, और एम क्यों यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एम टू इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एम टू भाप का मास है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं सी की कीमत है 4200, एम की कीमत है 0.005 kg और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टेम्परेचर में तब्दीली है वो क्या होगी, वो होगी 100 − T3। स्टूडेंट्स हमने 100 − T3 क्यों लिखा है, देखिए स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भाप की, इसका मतलब है कि भाप के टेम्परेचर में जो तब्दीली आएगी वो होगी 100 − T3। 100 स्टूडेंट्स उसका टेम्परेचर है क्योंकि वो कुछ टेम्परेचर पानी को दे देगी और भाप का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, लिहाजा स्टूडेंट्स जो टेम्परेचर कम होगा वो T3 जितना कम होगा। हम कहेंगे 100 − T3 जो होगा ये वो टेम्परेचर है जो भाप का तब्दील होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें Q2 किसके बराबर हो जाएगा, Q2 की स्टूडेंट्स कीमत हमारे पास निकलेगी 21 × 100 − T3। जी तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले Q1 की कीमत निकाल ली, ये वो हरारत थी जो पानी के टेम्परेचर को तब्दील करने के लिए दरकार थी। हमने कहा Cm1 ∆T Q1 के बराबर है। स्टूडेंट्स हमने उसकी कीमत निकाली, उसके बाद हमने Qv की कीमत निकाली जो कि स्टूडेंट्स पानी को भाप में तब्दील करने के लिए जो हरारत दरकार है वो है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने Q2 की कीमत निकाली, ये वो हरारत है
जो कि खारिज होगी किसमें से, भाप में से। स्टूडेंट्स उसकी कीमत हमने निकाली सी एम टू डेल टी के मसावात को इस्तेमाल करते हुए। स्टूडेंट्स अब अगर हम देखें कि पानी की जज़्ब करदा जो हरारत है क्यू वन वो किसके बराबर होगी, क्यू वी जमा डेल क्यू टू के बराबर होगी। जी तो स्टूडेंट्स पानी की जज़्ब करदा हरारत बराबर है भाप की खारिज करदा हरारत के। यहाँ पे हमने देखा कि पानी का जो टेम्परेचर तब्दील करने के लिए हरारत चाहिए वो बराबर है जो भाप का टेम्परेचर कम करने के लिए हरारत चाहिए, और दूसरा स्टूडेंट्स जो पानी को बुखारात में तब्दील करने के लिए जो हमें हरारत चाहिए उसके जमा के। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्यू वन की कीमत हमारे पास क्या है, 2100 T3 माइनस 10 बराबर होगी 11.3 जरब 10 की ताकत 3 जमा 21 इंटू 100 माइनस T3। स्टूडेंट्स अब हम इसको हल करेंगे इस मसावात को और वहां से T3 की कीमत मालूम करेंगे। 2100 T3 माइनस, स्टूडेंट्स जब 2110 से ज़रब होगा ये क्या हो जाएगा 21000 बराबर है। स्टूडेंट्स अगर हम इसको खोल के लिखें तो ये होगा 11300 जमा, स्टूडेंट्स ये 100 इस 21 से ज़रब हुआ 2100 बन गया, माइनस 21 जरब T3। जी तो स्टूडेंट्स अब हम इस मसावात को इस्तेमाल करते हुए T3 की कीमत निकालेंगे, और स्टूडेंट्स हम T3 की कीमतों को एक तरफ कर लेंगे और बाकी की कीमतों को एक तरफ कर लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स 21 और 2100 T3 है जो, इसे हम एक तरफ कर लें अगर तो ये हमारे पास हो जाएगा 2100 T3। स्टूडेंट्स यहाँ पे 21 के साथ मनफी है, जब हम इसे मसावात की दूसरी जानब लेके आएंगे तो ये उस तरफ आके क्या हो जाएगा, जमा का। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो कीमत है इसे अगर हम जमा करें 11300 को 2100 में जमा करें तो ये हमारे पास कीमत आ जाएगी 13400। और स्टूडेंट्स ये जो 21000 है इसे हम मसावात की दूसरी जानब ले जाएंगे, ये यहाँ पे माइनस का है और दूसरी जानब जाके क्या हो जाएगा, जमा का हो जाएगा 21000। स्टूडेंट्स इसको अगर हम जमा करें ये हो जाएगा 21 यानी कि 2121 T3 बराबर होगा 34400 के। स्टूडेंट्स यहाँ से T3 की कीमत अगर हम निकालें तो 34400 तकसीम कर देंगे 2121 पे, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो T3 की फाइनल कीमत निकल के आ रही है इसको तकसीम करने से वह है 16.2। स्टूडेंट्स अगर हमने इसको केल्विन में करना हो तो T3 हमारे पास क्या आ जाएगा केल्विन में, 16.02 जमा 273 बराबर होगा 289.2 केल्विन के। जी तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस तरह से हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मौजूद 500 ग्राम पानी में से 5 ग्राम भाप गुजार कर जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है वो टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं जो कि पानी का तब्दील होगा। स्टूडेंट्स इसमें हमने कहा कि पानी जो हरारत जज़्ब करेगा वो बराबर होगी
भाप की खारिज करदा हरारत के, और स्टूडेंट्स पानी की जो हरारत है जो उसने जज़ब की है वो हमने मालूम की क्यू वन, और जो भाप की खारिज करदा हरारत है स्टूडेंट्स उसे हमने मालूम किया क्यू टू से, और हमने क्यू वी को मालूम किया ये वो हरारत है जो पानी को भाप में तब्दील करने के लिए चाहिए। स्टूडेंट्स हमने एक मसावात बनाई, उसमें कीमतों का अंदराज किया और वहाँ से टी थ्री वो टम्परेचर निकाला जो कि पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड टम्परेचर की भाप गुजरने के बाद होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो जवाब आया है वो है 16.02 डिग्री सेंटीग्रेड। जी तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने सवाल नंबर 8.9 और 8.10 को हल किया, और इस तरह से हमारा यूनिट नंबर 8 के मश्की सवालात मुकम्मल हुए। और स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।